हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लाइन बन हेयर स्टाइल। फर्स्ट तो पहले लोप ऑफ करेंगे। लोप ऑफ की वीडियो ऑलरेडी मेरे कोर्स में है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं लोप ऑफ कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट को मैं ऊपर का लेयर को मैं बैककॉम करूँगी, देन वहाँ पे छोड़ दूंगी। देन नीचे वाले दो सेक्शन लेके उसको बैककॉम करूँगी। ऐसे करते हुए आपको नीचे जाना है, देन लोप ऑफ करना है। नीचे वाले जो भी हेयर नैप एरिया का सेक्शन रहेगा उसको हम पोनी करेंगे। तुम जो बर्न वाले सेक्शन रहेंगे वो हम लोग स्प्रेड करेंगे। वो स्प्रेड करने के बाद हल्का सा नेट एंड क्लीन करके आपको स्प्रे करना है। यहाँ पर नीट एंड क्लीन करके ले रही हूँ मैं। मैंने वुडन स्टिक यहाँ पे इसलिए रखे है कि ताकि हमारा जो भी होल्ड सेक्शन है वो बड़ा है, तो बड़ा सेक्शन को होल्ड करने के लिए हम लोग बड़ी यूपीएस यूज कर सकते हैं या तो वुडन स्टिक यूज कर सकते हैं। देन इस पर हम लोग हल्का हल्का टेक्चर लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन आपको नीटली करना है, एक एक लाइन को आपको शार्पली क्रिएट करते जाना है। देन यूपिन से उसको होल्ड करो तो आपका वो लाइन जो है वो शेप में आ जाएगा। पूरे पफ को आपको लाइन क्रिएट करना है। लाइन कैसे क्रिएट करना है इसके ऊपर भी मैंने कोर्स में एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप कोर्स में देख सकते हो। बेसिक कोर्स का जो भी फोल्डर है उसमें सारे डिटेल मेंशन है। यहाँ पे मैं बंजी बैंड से टाई करूँगी, बिकॉज यहाँ पे बॉबी पिंस लगाओगे तो यहाँ पे सेक्शन बड़ा है और बॉबी पिंस जो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको यहाँ पे बॉबी पिंस नहीं लगाना है। रबर बैंड लेना है, उसमें बॉबी पिंस डाल के दोनों साइड से टाइट करना है। देन फ्रंट वेरिएशन हम लोग देखेंगे। फ्रंट वेरिएशन में मैंने सी सेक्शन निकाला है, आगे का छोटा सा सी सेक्शन निकालेंगे, वो हम लोग एस क्रिएशन के लिए यूज़ करेंगे। बाद मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड किया है फ्रंट वेरिएशन, क्योंकि एक साथ सारा सेक्शन लेंगे तो होगा नहीं, तो आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना है। वो नेक एंड क्लीन करना है, देन उसको बैक कॉम करेंगे बैक बाउंस के लिए थोड़ा। उसके बाद थोड़ा ट्विस्ट करके उसके ऊपर लाइन क्रिएट करेंगे। आपको एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से लाइन नहीं आता है तो आप यूपिन से होल्ड करके वहाँ पर रख सकते हो। देन आपको लाइन क्रिएट करना है, उसको थोड़ा शार्प करना है, स्प्रे करना है उसके ऊपर, माइल्ड स्प्रे यूज़ करना है। देन लाइन को शार्प करने के बाद नेट एंड क्लीन करो। उसके बाद आपको सेकंड सेक्शन लेना है नीचे वाला और उसमें मर्ज करना है। यूपिंग्स यहाँ पे आपको सेट करने के लिए आप यूज़ करते हो। लाइन अच्छे से सेट वहाँ पे रहने चाहिए, जब भी ड्राई होते तो लाइन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। उसके बाद सेकंड सेक्शन को उसमें मर्ज करो आप। मर्ज करने के बाद आपको उसके ऊपर लाइन क्रिएट करने हैं, उसको होल्ड करके रखो यूपिन से, देन उसके ऊपर लाइन क्रिएट करो। बीच में आपको गैपिंग नहीं आनी चाहिए दोनों सेक्शन के बीच में, आपको दोनों सेक्शन को एक क्लीन करना है, नेट एंड क्लीन।
इन लाइन क्रिएट करनी है। ऐसे करके आपको नीचे जाना है लाइनिंग के लिए। आपको हल्के हाथ से लाइन खींचनी रहती है। लाइन आप क्रिएट करने जाते हो तो आप सीधा जो भी बैक कॉमिंग है, नीचे आपका बैक कॉमिंग होना चाहिए बट ऊपर का फिनिशिंग लेयर आपका क्लियर होना चाहिए। देन सेक्शन को बॉबी पिन से हम लोग टाई करेंगे। ये होने के बाद हम लोग साइड वाला सेक्शन लेंगे। साइड वाला सेक्शन सेम करना है, पीछे बाउंस चाहिए ऊपर से तो पीछे के साइड पर हमें बैक कॉमिंग करना रहता है। देन बैक कॉमिंग करने के बाद हमें नीट एंड क्लीन करके ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग करने के बाद ऊपर से हमें उसके ऊपर लाइन क्रिएट करनी है। फेस फ्रेमिंग के लिए थोड़ा सेक्शन हम लोग छोड़ेंगे। से होल्ड करने के बाद उसके ऊपर लाइन क्रिएट करेंगे। एस क्रिएट करेंगे। पहले तो हमें नीट एंड क्लीन कॉम करके लेना है। कॉम करने के बाद आपको ऊपर की तरफ थोड़ा स्प्रेड करना है। अंगूठा और उंगली के बीच में आपको इसको पकड़ना रहता है और ऊपर से क्लीन करना रहता है स्प्रे की हेल्प से। स्प्रे करने के बाद आपको वैसे हल्के हल्के हाथ से नीचे छोड़ते हुए आना है। नीचे आने के बाद आपको उसके ऊपर भी लाइन क्रिएट कर सकते हो सेम डिजाइनिंग दिखाने के लिए। नहीं क्रिएट करते हो तो भी चलता है। पीछे हम लोग बन क्रिएट करेंगे। बन के लिए हम लोग स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग जो बन का ही रहता है, डोनट बन का, उसको हम लोग स्प्रेड करके लूपिंग से सेट करेंगे। टाइटली आपको वहाँ पे सेट करना है। देन उसके बाद आपको बीच में मिडल सेक्शन लेके एक सेक्शन प्लेन लेना है कॉम करके। अच्छे से कॉम करके उसके ऊपर स्प्रे करके वो ऊपर की तरफ फोल्ड करना है प्लेन करके। उसके बाद साइड से दो लाइन करेंगे हम लोग। लाइन हमें नेट एंड क्लीन करना है। देन नीचे हम लोग ब्रेड करेंगे। नीचे वाले सेक्शन की डच ब्रेड करेंगे।
तो उल्टा करने के बाद सीधा सिंपल ब्रेड दिखने वाला है। डच ब्रेड किसी को नहीं आता है तो डच ब्रेड के ऊपर भी वीडियो है, आप देख सकते हो, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी वो वीडियो। उसके बाद आपको साइड वाले सेक्शन, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके स्प्रेड करना है बन के ऊपर, देन बीच में लाइन क्रिएट करके लाइनिंग के बीच में आपको वो सारे नीचे वाले ब्रेड डालने हैं। ऐसे आपको फॉलो करना है पूरे बन को। इसको मैं चार नीचे वाले जो भी सेक्शन है उसको चार पांच उसके ब्रेड बना दूंगी और उसके ऊपर बन के ऊपर वो डाल दूंगी। बॉबी पिन से उसको टाइट करो। दूसरे साइड से भी सेम करना है। ऊपर का लेयर हमें प्लेन लेना है, नेट एंड क्लीन करके उसको ऊपर होल्ड करो। उसके बाद उसके ऊपर लाइन क्रिएट करने हैं हमें। नीचे जो भी सेक्शन छोड़ा है उसके हम लोग ब्रेड क्रिएट करेंगे और दो लाइन के बीच में वो ब्रेड डालेंगे। जैसे हमारा लाइन बन रेडी होता है उसके बीच में हम लोग कोई अलग भी ब्रेड बना के आप कर सकते हो, डच ब्रेड हो या थ्री स्टैंड, फोर स्टैंड, फाइव स्टैंड, एनी टाइप ऑफ ब्रेड उसमें यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी क्रिएट, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बात कमेंट करके बता सकते हो। उसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट में कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे। टेक केयर, बाय बाय।